दोस्तों, आपके कई काम आसान बनाने वाला स्मार्टफोन आपकी सेहत पर भी काफी असर डालता है। यह उन लोगों के लिए ज्यादा हानिकारक है जो रात में सोने से पहले लाइट बंद करके काफी टाइम तक फोन में लगे रहते हैं। फोन का इस्तेमाल इस कदर बढ़ गया है कि लोग अब इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। सुबह होते ही सबसे पहले लोग फोन चेक करते हैं और सोने से ठीक पहले तक फोन ही देखते रहते हैं। फोन हम घंटों घंटों तक स्क्रॉल करके ही समय बिता देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो इसके खतरे के बारे में जानते हैं। वैसे तो फोन की लत आज हर उम्र के लोगों में शामिल है, मगर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव 10 से 25 साल के लोगों में देखने को मिलता है। इन लोगों में आपको फोन की लत की भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि रात में स्मार्टफोन के इस्तेमाल से आपकी नींद पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में जानते हैं कि आपका स्मार्टफोन किस तरह से आपकी नींद पर असर डालता है और इसके क्या नुकसान होते हैं। जानते हैं रात में फोन चलाना आपकी सेहत पर किस तरह असर डाल रहा है। DW की रिपोर्ट के अनुसार दो जुड़वां बहनों पर की गई रिसर्च में कई अहम जानकारी सामने आई है। इसमें एक बहन रोज रात में किताब पढ़कर सोती है, जबकि दूसरी बहन रात में फोन या टेबलेट का इस्तेमाल करने के बाद सोती है। दोनों ने सोने से पहले नींद को ट्रैक करने के लिए ट्रैकर का इस्तेमाल किया, जिसमें सामने आया है कि दोनों में फोन का इस्तेमाल करने वाली बहन कम नींद ले रही थी, जबकि किताब पढ़ने वाली बहन को ज्यादा नींद आ रही है। रिपोर्ट में एक नींद विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि इस रोशनी की तरंगें काफी छोटी होती हैं। जब इन्हें आंखों से देखा जाता है तो उससे उन हार्मोन पर असर पड़ता है जिससे शरीर को आराम मिलता है। इससे सोने और जागने के रूटीन में खलल पड़ती है। सीधे शब्दों में कहें तो इससे नींद की अवधि काफी कम हो जाती है। रात के सोते समय अधिकतर लोग मोबाइल फोन खुद से पास रखना पसंद करते हैं। या तो मोबाइल फोन तकिए के पास नीचे रखते हैं या फिर बिस्तर के साथ रखते हैं। इसके कई कारण हैं। लोग रात में फोन का इस्तेमाल करते हैं और फिर पास ही रखकर सो जाते हैं। कुछ लोग अलार्म के कारण फोन को पास रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन का असर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। मोबाइल फोन में हानिकारक रेडिएशन होते हैं जो लगातार निकलते रहते हैं। इसका असर लोगों के दिमाग के लिए नुकसानदायक होता है, जैसे सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और भी कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती है। मोबाइल फोन को अपने बिस्तर से कम 3 फीट की दूरी पर रखकर खतरनाक रेडिएशन से बचा जा सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ताकत मोबाइल फोन से जुड़ी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि फोन से निकलने वाली RF रेडिएशन से मस्तिष्क कैंसर होने की संभावना हो सकती है। अगर आप रात में फोन का इस्तेमाल करने से बचना चाहते हैं तो आपको एक निर्धारित समय के लिए फोन चलाना चाहिए। वहीं सोने से 1 घंटे पहले अपने फोन को रख देना चाहिए। ऐसे में फोन से जुड़ा जो भी जरूरी काम हो उसे आप रात से पहले ही निपटा लें, ताकि रात को फोन चलाने की आवश्यकता ना पड़े। सोने से 1 घंटा पहले अपने आप को दे अच्छी सी किताब को रीड करे। आज का दिन कैसा रहा उसके बारे में सोचे। कल को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी उसके बारे में सोचे। और अपने ईस्ट देव का नाम जप करके सो जाए, ये आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा मैं भी आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली किसी फिटनेस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय।